हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रुपेश माहेश्वरी और हम सब देख रहे हैं ट्यून पाथ, एक म्यूजिकल शो। इस शो के स्पॉन्सर है एक्वा ड्यू प्रो। यह आरओ आप अपने घर में लगाएं क्योंकि शुद्ध पानी ही स्वस्थता की औषधि है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अब हमारे अगले राउंड की ओर, जिस राउंड का नाम है सूफियाना राउंड। अब हम हमारे अगले पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं। हमारे बीच आ रहे हैं चेतन। फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे कोई, फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान पाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, राह चलते हुए अक्सर ये गुमान हो है, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे, वो नजर छुप के मुझे रही हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, एक लम्हे मैं सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, इस तरह पहरों तुझे सोच रहता हूँ मैं, इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं, मेरी हर सांस
तेरे नाम लिखी हो जैसे मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे जागते एक उम्र कटी हो जैसे जान पाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस चेतन का। तो आइए चेतन की इस परफॉर्मेंस के बारे में हम जानते हैं अमिताभ सर से। चेतन वेरी गुड, बहुत अच्छा अच्छा प्रयास है। और ये अच्छी बात है कि हर राउंड में हर सिंगर एक अलग रूप में अलग तरीके से निखर के आ रहा है। वेरी गुड चेतन, बहुत अच्छा, धन्यवाद अमिताभ सर। अब हम जानते हैं हमारे ऑनलाइन जज विनीत पंडित जी से कि चेतन का परफॉर्मेंस कैसा रहा। चेतन जी, चेतन साहब, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया कोई फरियाद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको गाना प्रॉपरली सीखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा और सुरों पे ध्यान दीजिए और आप बहुत अच्छा गा सकते हैं। और आज की कंपटीशन में आपके मार्क्स हैं 4.5, तो आई होप आप और मेहनत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद विनीत सर। अब हम जानते हैं हमारे ऑनलाइन जज जो ललितपुर से हमारे बीच में हैं, ब्रजेश शर्मा सर। ब्रजेश शर्मा सर, आप बताइए इस परफॉर्मेंस के बारे में। बहुत अच्छी चेतन, अच्छा गया आपने, और हम आपको इसमें 10 में से देंगे 7 मार्क्स, और अच्छा करें, थैंक यू। तो दर्शकों, अब आपको चेतन का परफॉर्मेंस कैसा लगा, TPC लिखकर आप 1 से 5 तक आपको जैसा परफॉर्मेंस लगा उस अनुसार आप मार्क्स दे सकते हैं। थैंक्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ट्यून पास शो को सुनने के लिए, और उस शो का एक छोटा सा मैं भी हिस्सा हूँ। मेरा नाम चेतन राणा फ्रॉम इंदौर। आप मुझे आशीर्वाद बनाए रखें, मेरे सॉन्ग को लाइक एंड कमेंट करें, जिससे मुझे आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे, और इससे मैं और भी आगे अच्छा गाने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, धन्यवाद, थैंक्स। तो चलते हैं हम अपने अगले पार्टिसिपेंट की ओर। अगली पार्टिसिपेंट है हमारी उदिता। छुप तिलक सब छीने रे मुसे नैना में लेके, छुप तिलक सब छीने रे मुसे नैना में लेके, नैना में लेके मुसे नैना में लेके, नैना में लेके मुसे नैना में लेके, बात अधम कर दी रे मुसे नैना में लेके, छाप तिलक सब छीने रे मुसे नैना में लेके। बल बल जाऊं मैं तो तोरे रंग रेजवा, बल बल जाऊं मैं तो तोरे रंग रेजवा, पम गम बदनी सनी द पम गरी सा, नी रे गम बदनी सनी द पम गरी सा, बल बल जाऊं मैं तो तोरे रंग रेजवा, तोरे रंग रेजवा, तोरे रंग रेजवा, बल बल अपनी ही रंग ली नीरे मुस।
पे तिलक सब छीने रे मुसे नैना मेले के गोरी गोरी बैया दे हरे हरे चुड़िया गोरी गोरी बैया दे हरे हरे चुड़िया निरे गम बम गरिसा निरे गम बम गरि गरिसा गोरी गोरी मैया दे हरे हरे चुड़िया हरे हरे चुड़िया हरे हरे चुड़िया गोरी गोरी मैया दे हरे हरे चुड़िया मैया पकड़ धर ली निरे मोसे नैना मेले के छाप तिलक सब जी नैना मेले के छाप तिलक सब छीने रे मुसे नैना मेले के। बहुत शानदार उदिता, अच्छा परफॉर्मेंस आपका, लेकिन कितना अच्छा है ये हमारे जजेस बताएंगे। तो हमारे बीच मौजूद अमिताभ सर चौहान से मैं विनती करता हूं कि इस परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। उदिता क्या बात है, फर्स्ट राउंड में देखा कितने ज्यादा लोगों ने तुमको सराहा, पब्लिक ने वाकई तुमको बहुत प्यार दिया। अच्छा है ये, क्योंकि जो तुम्हारी आवाज है बहुत सुरीली है, बहुत अच्छी। तो इसी तरीके से तुम प्रयास करो और आगे बढ़ते रहो, सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद अमिताभ सर। अब हम हमारे ऑनलाइन जजेस विनीत पंडित सर के पास चलते हैं। विनीत सर बताएंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में। उदिता बहुत अच्छा गाया आपने, छाप तिलक बहुत अच्छा आपने माहौल बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप इस गाने को और सुनिए, जब आप इसको और कई बार सुनेंगे और उसकी जो बारीकियां हैं उसको समझेंगे तो डेफिनेटली आप इससे बेहतर और गा पाएंगे। आपने अच्छा गाया है लेकिन इससे भी और बेहतर गा पाएंगे, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक कठिन सूफ़ी सॉन्ग आपने सेलेक्ट किया और इसको एक बेहतरीन तरीके से इसको निभाया है। आज की इस राउंड में आपको मार्क्स हैं 6। थैंक यू। धन्यवाद विनीत सर। तो आइए चलते हैं हम हमारे ऑनलाइन जज ब्रजेश शर्मा सर की ओर। ब्रजेश शर्मा सर बताएंगे कि इस परफॉर्मेंस के बारे में। बहुत अच्छी उदिता, इस उम्र में ऊंची आकाश में उड़ने की क्षमता रखती हैं आप, और आपसे जो उम्मीद करते हैं आप हमेशा खरी उतरी हैं अभी तक, और उम्मीद है आगे भी अच्छा करेंगी। हम आपको 10 में से देते हैं 8 मार्क्स 8। थैंक यू। धन्यवाद ब्रजेश सर। तो जनता अब आपकी बारी है, आपको ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? आप इनबॉक्स में 1 से लेकर 5 नंबर तक कोई भी मार्क्स दे सकते हैं। आपको लिखना है TPU और आगे अपने मार्क्स लिखें और इनबॉक्स में जरूर डालें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता सबकाल, और आपने जिस तरह मुझ पर प्यार और आशीर्वाद बरसाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मुझे लाइक्स और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। चेतन को दिए हैं विनीत सर ने 4.5 मार्क्स और ब्रजेश सर ने दिए हैं 7 मार्क्स, टोटल हो जाते हैं 11.5 मार्क्स। उदिता को विनीत सर ने दिए हैं 6 मार्क्स और ब्रजेश सर ने दिए 8 मार्क्स, टोटल हो जाते हैं 14 मार्क्स। तो आइए दोस्तों, इस खूबसूरत सफर को हम यहां पर विराम देते हैं। विराम यह आज का नहीं है, ये सतत जारी रहेगा, आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स बनते रहेंगे। उस प्रोग्राम की जानकारी के लिए आप मेल कर सकते हैं स्क्रीन पर लिखे हुए इस मेल आईडी पर, अमिताभ चौहान फिल्म्स @gmail.com।
www.acfilms.in। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9424858909 पर भी आप लोग अपने अपने ऑडिशन वीडियो सेंड कर सकते हैं। अमिताभ चौहान फिल्म स्टूडियो एवं प्रोडक्शन, A8 महालक्ष्मी नगर, इंदौर।